की रक्षा करते हुए नांगल चौधरी के गांव नायन के विषम दयाल ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज होने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। विषम दयाल को हॉस्पिटल में लाया गया था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सैनिक पृष्ठभूमि से वास्ता रखने वाले परिवार से संबंध रखने वाले विषम दयाल अपने पीछे दो बेटी एक बेटा बूढ़े माँ बाप और पत्नी को छोड़कर गए हैं। शहीद की अंतिम विदाई में क्षेत्र के हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। शहीद विषम दयाल अमर रहे के नारे लगाते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी गई। नांगल चौधरी से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। गांव नायन के हमारे एक बहुत ही होनहार नौजवान जो मैकेनिकल इन्फेंट्री में भाई विषम दयाल जी थे वो शहीद हो गए। उनके अंतिम क्रिया के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और नायन गांव की मिट्टी को भी नमन करता हूँ कि जो इस प्रकार के अनेकों सपूत उन्होंने पैदा किए और देश को दिए। नियमानुसार सहायता राशियाँ जो घोषित है वो सब लाभ मिलेंगे। ये विषम दयाल पोस्ट पे तैनात था, उधर लगभग 11,000 की आईटी थी, एलसी पे था। उसके बाद वहाँ पर वो चलता रहता, इसके एकदम वो हुआ कॉन्शियस हो गया तो सीधा इसको बेस हॉस्पिटल लाया गया। 92.6 बेस हॉस्पिटल में 6 तारीख को एडमिट कराया था, रात को 9 तारीख को इसका देहांत हो गया था। डालिन व्यवहार बहुत आले दर्जे का व्यवहार था, किसी के साथ किसी से कोई लग डग नहीं थी इसके। हाँ, बटालियन की तरफ से जितना होगी हम मदद करेंगे पूरा, ऐसा कुछ नहीं है।